लेकर कांग्रेस ने एक पुस्तक जारी की थी जिस पर विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गए। आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने ये तक कह दिया कि अगर राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी के वक्त चाणक्य होते तो शायद कांग्रेस की ये हाल ना होते। गौरतलब है कि चंद्रगुप्त और हेलन की शादी के वक्त चाणक्य ने विदेशी महिला के साथ विवाह को लेकर कुछ नियम बनाए थे। सुरेंद्र जैन ने कहा कि पुराने कांग्रेसियों को सोनिया गांधी से मुक्ति लेनी चाहिए। सोनिया और प्रियंका गांधी देश को अपमानित करने में लगी हुई हैं। सुरेंद्र जैन ने कहा कि वीर सावरकर जैसे व्यक्ति के लिए जिस तरह के शब्द कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किए हैं वो आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी अब माइनस महात्मा गांधी हो गई है, क्योंकि महात्मा गांधी के ऐसे विचार नहीं थे जो आज कांग्रेस पार्टी में है। इसलिए पुराने कांग्रेसियों को सोनिया गांधी से मुक्ति ले लेनी चाहिए। आपको बता दें, जैन ने सोनिया गांधी पर निजी हमला करते हुए कहा कि जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है उन्हें चाणक्य की याद आ रही है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त और हेलन की शादी के लिए कुछ नियम बनाए थे, अगर आज शायद चाणक्य होते तो कांग्रेस के हालात ये ना होते। उन्होंने कहा, सत्ता की हवस में कांग्रेस पार्टी बेहुदा बयानबाजी करने में लगी हुई है। राहुल गांधी इस तरह के बयान देकर भाग जाते हैं, जबकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी देश को अपमानित कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये खुद भूल गए कि ये कैसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें, जहाँ ये सोनिया गांधी की निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद कांग्रेस पार्टी को ये विवादित और आपत्तिजनक कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये पहले खुद अपनी वाणी को देखें कि किस तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी की निजी जिंदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस की वाणी गलत है और वो आपत्तिजनक बयान देती है। लेकिन यहाँ ये खुद ये नहीं सोच रहे कि वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से वो खुद ही अपने जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। SPN 9 न्यूज से नाजमिन की रिपोर्ट।